हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टेक्नोकैश में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द एरे इन जावा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एरे, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एरे एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इन रियल लाइफ। ओके, लेट्स सी। सो एरे, एन एरे इज़ अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन मेमरी टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा यूजिंग ओनली सिंगल वेरिएबल। सो एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। वो कहाँ पे क्रिएट होता है? इन मेमरी टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। सो इन एरे वी यूजिंग द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप, मीन्स इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का ही डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नॉट यूज इन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, ऐसे यूज नहीं कर सकते। वी यूज द सिमिलर डेटा टाइप यूजिंग ओनली सिंगल वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे कितना, एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द सिंटैक्स। डेटा टाइप एरे नेम, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। सो एरे इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाई ऑब्जेक्ट? व्हेन वी यूज द न्यू कीवर्ड देन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सो एरे इज एन वन ऑब्जेक्ट। सो डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट वी मेंशन द साइज ऑफ एरे, मतलब कितने एरे हम लोग यहाँ पे कितने एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं इन योर एरे। और अनदर वे, डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड साइज देन सेमीकोलन। सो लेट्स सी द एग्जांपल। डेटा टाइप इज नथिंग बट इन, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, लॉन्ग, बुलियन। ओके, सो दिस इज योर इंट। एम इज नथिंग बट योर एरे नेम, दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट। So this is your word declaration of array. So new is nothing but your keyword and 10 is nothing but your size of array. So how many elements store in your array? 10 elements, मतलब 10 integer type के elements हम लोग यहाँ पे store कर सकते हैं। So see here, कितनी है length, array की length कितनी है? 10 है। Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till 9 तक, ये क्या है? हमारे index। ओके, मतलब ये मेमोरी लोकेशन है। जब हमारे एरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं तो दिस स्टोर इन इंडेक्स फॉर्मेट। ओके, मतलब ये हमारा लोकेशन है। सपोज वन से लेकर हम लोगों ने 10 तक एलिमेंट्स लिए, तो वन एलिमेंट्स हमारा कौन से पोजीशन पे रहेगा? जीरो पोजीशन पे। सेकंड एलिमेंट वन पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे। तो दिस इज योर व्हाट, पोजीशन इंडेक्स। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी मेंशन किया है कि जो एट इंडेक्स पे हमारा जो भी एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट कौन सा रहेगा? 9 एलिमेंट। सपोज 1 टू 10 नंबर्स लिए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो भी हमारा 9 एलिमेंट है वो कौन से पोजीशन पे है? इंडेक्स 8 पे है। तो दिस इज योर इंडाइसेस। और लेंथ कितनी है? 10 है। ओके, सो दिस इज योर वर्ड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। देन हाउ टू डिक्लेयर एंड एज वेल एज इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। सो सी हियर, डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, इन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस हियर वी डिक्लेयर द वर्ड और इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एरे एंड सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल इंट मार्क्स। ओके, सो इंट इज नथिंग बट डेटा टाइप, एरे नेम इज नथिंग बट योर मार्क्स। स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उस मार्क्स मतलब एरे की वैल्यू इनिशियलाइज किए। जैसे हम लोग नॉर्मली इंट ए इज इक्वल टू 10, तो 10 वैल्यू जो है वो वेरिएबल ए में स्टोर है, मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल ए विद द 10 वैल्यूज। सो सिमिलर टू 55, 60, 87, 93, 89, ये हमारे क्या इंटीजर टाइप्स के वैल्यू है, मार्क्स है ये हमारे। सो डिक्लेयर द मार्क्स एंड इनिशियलाइज विद हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। सो हमारे एरे की लेंथ कितनी है? 5 है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एरे इन रियल लाइफ, मतलब हम लोग एरे का यूज़ कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ में। सपोज एक क्लास है और उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और वी वॉन्ट टू स्टोर देयर रोल नंबर्स। ओके, उनके रोल नंबर्स मुझे स्टोर करने हैं। अगर वो रोल नंबर मुझे स्टोर करने हैं तो मैं 50 वेरिएबल्स क्रिएट करूँगी क्या? अगर एरे नहीं है तो इंस्टेड ऑफ एरे मुझे 50 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इंट आर, मतलब सपोज जो भी हम लोगों ने नाम दिया, आर नंबर, देन आर नंबर 1, आर नंबर 2, आर नंबर 3 टिल आर नंबर 49 तक, ये मेरे क्या हो गए? 50 वेरिएबल्स हो गए। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, तो मुझे कितने स्टेटमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे उसके लिए? 50 स्टेटमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, सपोज इमेजिन वी राइटिंग द 100 स्टेटमेंट जस्ट टू स्टोर द रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट।
okay? And other hand, what if you have single variables which can represent all these 50 variables, मतलब ये जो 50 variables है वो एक ही single variable में हम लोग क्या करें, represent करें, so it will be what very useful to us, मतलब ये very मतलब useful है हमारे के हमारे लिए, बहुत easy है, so such a variables हम लोग उसको क्या बोलते हैं, array बोलते हैं, okay? तो हम लोग ये जो 50 elements है वो एक ही variable के अंदर store कर सकते हैं, that's why we are using the array. ओके, मतलब एरे क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग द सिमिलर डेटा टाइप सिंगल वेरिएबल यूज करके. ओके, मतलब वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू रहेगी वो कौन से भी डेटा टाइप की रहेगी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बट एक ही टाइम पे हम लोग क्या सेम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, वैल्यू इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. सो क्या एडवांटेज है एरेज के, इज दे सिंप्लीफाई द प्रोग्रामिंग बाय रिप्लेसिंग द व्हाट लॉट ऑफ स्टेटमेंट बाय जस्ट वन और टू स्टेटमेंट. ओके, और जो भी हमारे एरे है क्रिएटेड ऑन विच मेमोरी, डायनामिक मेमोरी. ओके, मतलब दैट इज अलोकेटेड एट अबाउट रन टाइम बाय द JVM इन जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी अलोकेशन, पता है ना. स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन मींस मतलब स्टैटिक में हम लोग क्या बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उसके लिए मेमोरी अलोकेट होती है, एंड डायनामिक में क्या होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एट अ रन टाइम मेमोरी अलोकेट होती है. ओके, और स्टैटिक में जो भी हमारी इफिशियंसी है वो क्या है, लेस इफिशियंसी है, और डायनामिक में क्या होती है, मोर इफिशियंसी. तो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक. तो एरे में जो भी है मेमोरी अलोकेट होती है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन. ओके, सो नोट एवरी एलिमेंट इन एन एरे ऑफ एनी डेटा टाइप इज सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉमा. ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि हर एक एलिमेंट जो है डेटा टाइप इज सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉमा. लेंथ इज अबाउट फंक्शन इन विच रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एरे, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर एरे. सो हाउ टू रिप्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल इंट पी इज इक्वल टू एम डॉट लेंथ, तो एम क्या है, मेरा एरे नेम है. डॉट लेंथ, तो उस एरे में कितने एलिमेंट स्टोर है. ओके, उस एरे की लेंथ कितनी है, देन हाउ टू फाइंड इंट पी इज, अभी इंटीजर टाइप की लेंथ रहेगी तो डेटा टाइप क्या रहेगा, ऑब्वियसली इंट रहेगा, देन एम डॉट लेंथ. ओके, ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं. तो यर एम इज वॉट एरे नेम एंड पी इज द लेंथ ऑफ योर एरे. Then what is a subscripted variable and subscript, when the elements of array are specified by the single subscript, the array is called what, subscripted variables. मतलब जो भी हमारा array elements रहेगा single subscript में, तो ये जो हमारा क्या है, subscripted variable, array name, this is nothing but your subscripted variable. And subscript means क्या, each individual element of an array is termed as what, सब्सक्रिप्ट. तो दिस इज योर व्हाट, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट स्टोर होता है पर्टिकुलर इंडेक्स पे, पोजिशन पे, तो दिस इज नथिंग बट योर सब्सक्रिप्ट. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एरे, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड रैंडम एक्सेस. सो कोड ऑप्टिमाइजेशन मीन्स व्हाट, इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइज, वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डेटा इफिशियंटली. कोड ऑप्टिमाइज मीन्स व्हाट, बेस्ट वे. ओके, टाइम कंज्यूम, तो ये क्या करता है, एरे कोड को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब मोर स्टेटमेंट की जगह पे हम लोग वन और टू स्टेटमेंट में कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, टाइम कंज्यूमिंग है, सो वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डेटा इफिशियंटली. ओके, मतलब बेटर वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं. रैंडम एक्सेस मीन्स वी कैन गेट द डेटा, एनी डेटा लोकेटेड एट इंडेक्स पोजिशन. सपोज मैंने अगर पोजिशन डाली एम ऑफ 6, तो हम लोग 6 पोजीशन का एलिमेंट ले सकते हैं. उसके लिए हमें स्टार्टिंग से लेकर उस 6 पोजीशन के सारे एलिमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है. सो वी कैन गेट एनी डेटा लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन. नेक्स्ट व्हाट, टाइप्स ऑफ एरे, देर आर टू टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे. सो फर्स्ट सी द व्हाट, सिंगल डायमेंशनल एरे. ओके, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सिंगल डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, 1D एरे. A single dimensional array is that in which only the rows of array can be declared. Okay, so array mein rows and
कॉलम होते हैं. सो व्हाट सिंगल डायमेंशनल एरे इज दैट व्हाट इन विच ओनली द रोज ऑफ द एरे. फॉर एग्जाम्पल कैर सी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में एरे क्या एरे इज कैरेक्टर नथिंग बट व्हाट सिंगल लेटर. ओके तो जावा है, जावा में कितने कैरेक्टर्स है, 4 कैरेक्टर्स है. सो ये मेरा जावा इज नथिंग बट वर्ड, ये क्या होगा स्ट्रिंग होगा और उसमें हर एक जो लेटर है दिस इज नथिंग बट योर कैरेक्टर. सो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल कोट्स एंड इट वैल्यू सेपरेटेड बाय द वर्ड कॉमा. तो दिस इज योर डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर एरे. एंड डबल डायमेंशनल एरे दिस इज नथिंग बट योर 2D एरे. सो डबल डायमेंशनल एरे इज दैट इन विच इवन दैट कॉलम्स अलॉन्ग विद द रोज, रोज है कॉलम फॉर्मेट. ओके सो यहाँ इसका डिक्लेरेशन इस टाइप का है. तो हम लोग वो नेक्स्ट सेशन में देखने वाले, नेक्स्ट वीडियो में. ओके इंट एम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स व्हाट 2 and 4. तो दिस इज नथिंग बट योर रोज एंड कॉलम. सो हाउ मेनी रोज, 2 रोज and 4 columns. ओके सो हाउ टू डिक्लेयर, सी ये इन कर्ली ब्रेसेस 1 5 7 6 दिस इज व्हाट माय फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो. सो हाउ मेनी कॉलम्स, 1 2 3 4 columns है. तो कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, 2 plus 2 plus 2 plus 2, मतलब हाउ मेनी 8 एलिमेंट्स, 2 plus 2 4 4 plus 2 6 6 plus 2 8. ओके मतलब यहाँ पे जो 2 4 है दिस इज नथिंग बट योर 2 rows and 4 columns, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स स्टोर, 8 एलिमेंट्स स्टोर इन योर दिस 2D एरे. ओके तो दिस इज योर सिंगल डायमेंशनल एरे एंड ये मल्टी डायमेंशनल एरे. तो यहाँ पे जो भी है इंटीजर, अगर हम लोग इन टाइप का भी डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था. ओके इंट मार्क्स, ओके मार्क्स इज इक्वल टू व्हाट इनिशियलाइज किए थे वैल्यू. सो दिस इज व्हाट इंट रिप्रेजेंट व्हाट इंटीजर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. ओके सी यहाँ पे इंटीजर टाइप का जो भी है हमारा एलिमेंट्स है विच कैन बी स्टोर इन योर एरे एंड द एरे नेम इज व्हाट योर मार्क्स. सो दिस रिप्रेजेंट द व्हाट योर 1-dimensional एरे. ओके सो व्हाट वी शुड यूज द स्क्वायर ब्रेसेस एंड आफ्टर द एरे नेम. सो देन द एक्चुअल एलिमेंट्स आर मेंशन व्हाट इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस योर. ओके सो JVM यहाँ पे कितने ब्लॉक्स क्रिएट करेगा, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स क्रिएट करेगा इन योर मेमरी. ओके मीन्स 5 एलिमेंट्स बींग स्टोर इन टू योर व्हाट एरे. सो दिस ब्लॉक ऑफ मेमरी कैन बी इंडिविजुअली रेफर. सो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी मार्क्स ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या रहेगा, मार्क्स ऑफ 0 पोजीशन पे 55 रहेगा, मार्क्स ऑफ 1 पोजीशन पे क्या रहेगा 60 रहेगा, मार्क्स ऑफ व्हाट 2nd पोजीशन पे क्या रहेगा 87 रहेगा. ओके स्टिल मार्क्स ऑफ 4 तक, मतलब यहाँ तक 1 2 3 4 5 हमारे एलिमेंट्स है तो इंडेक्स कहाँ तक रहेगा, 4 इंडेक्स तक रहेगा. ओके मीन्स यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 जो है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ द योर व्हाट एरे. ओके मतलब ये क्या रेफर करता है, पोजीशन. सो 1-dimensional एरे जो है विल हैव ओनली 1 इंडेक्स. मीन्स इन जनरल सपोज एनी एलिमेंट ऑफ एरे हमारा कैसे रहेगा, फिर मार्क्स ऑफ आई, मतलब आई रिप्रेजेंट व्हाट योर पोजीशन 0 1 2 3 4, अगर हमारे 5 एलिमेंट्स हैं तो. ओके आई समझ में, तो दिस इज योर व्हाट सिंगल डायमेंशनल एरे जो है. तो अभी यहाँ पे हमारे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, मतलब लेंथ कितनी है 4 है. तो सी ऑफ 0 पोजीशन पे मेरा क्या रहेगा, जे रहेगा. सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं मतलब सी ऑफ 0 पोजीशन पे हमारा क्या रहेगा, जे वेरिएबल रहेगा. देन सिमिलर टू सी ऑफ 1 पोजीशन पे ए, सी ऑफ 2nd पोजीशन पे क्या रहेगा वी एंड सी ऑफ 3rd पोजीशन पे क्या रहेगा ए. मतलब लेंथ 4 है बट इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो 0 1 2 3. ओके तो यहाँ पे सपोज इट रिप्रेजेंट इन व्हाट, सी ऑफ आई रहेगा हमारा, तो आई रिप्रेजेंट व्हाट योर 0 1 2 3, आई रिप्रेजेंट 0 1 2 and 3 पोजीशन. ओके आया समझ में. तो फर्स्ट वी सी द व्हाट सिंगल डायमेंशनल एरे. सो हाउ टू यूज द सिंगल डायमेंशनल एरे थ्रू द प्रोग्रामेटिकली, लेट्स सी.
ओके, टेक अ न्यू क्लास। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रोग्राम करते हैं, सिंपल। यहाँ पे क्या करना है, हमें एलिमेंट्स रीड करने हैं बाय यूजिंग द व्हाट, लूप। अगर मुझे एरे क्रिएट करना है सो वी नीड टू यूजिंग द व्हाट, लूप, एंड डिस्प्ले दिस वन बाय वन। दिस इज योर सिंपल प्रोग्राम। तो सपोज हम लोग नाम देते उसको एरे वन, क्लास एरे वन, देन व्हाट, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देन स्ट्रिंग args। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, एरे यूज़ किया था। ओके, ये हो गया मेरा मेन फंक्शन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, एरे को डिक्लेयर करना है। इंटीजर टाइप एरे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इंट। डेटा टाइप एरे नेम। तो एरे नेम हम लोग क्या लेते हैं, एम लेते हैं। दिस इज़ नथिंग बट योर वो स्क्वेयर ब्रैकेट। तो डिक्लेयर और क्या कर रहे हैं, हम लोग इनिशलाइज कर रहे हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा है, ओके, थ्योरी में। सो वैल्यू इनिशलाइज करनी है यूजिंग व्हाट, कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो सपोज 10, 20, 30, 40, हम लोग लेंथ कितनी लेते हैं, 5 लेंथ लेते हैं, ओके, 50, एंड देन एंड्स विद द व्हाट, सेमी कोलन। तो ये क्या हो गया, डिक्लेयर एज वेल एज इनिशलाइज द एरे। Declare and what? Initialize what? Array. Okay, ये declare और initialize हो गया हमारा array. अभी मुझे क्या करना है, उस element को display करना है. तो display कैसे करेंगे, so using the what? Loop. अगर हमें elements display करने हैं तो using the loop. हमें क्या use करना पड़ेगा, for loop use करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं इंट आई वेरिएबल। सो आई इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम, मैंने क्या बोला था, इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन क्या रहेगा मेरा, 5, एंड आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, एक एक पोजिशन इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ओके, देन हाउ टू डिस्प्ले यूजिंग द विच स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, अभी डिस्प्ले करने, तो मेरे एरे का नाम क्या है, एम है। और कौन से पोजीशन पे एक्सेस कैसे करेंगे, वो पोजीशन स्टोर है आई में। ओके, देन सेमी कोलन। आए समझ में, कंपाइल करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंटलन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नो सिंटैक्स एरर। मेन फंक्शन को कॉल करो, आ गए 10, 20, 30, 40, 50। ओके, आया समझ में, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है, एंड दिस पर्टिकुलर व्हाट, एलिमेंट एक्सेस किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम ऑफ आई। तो कैसे वर्क करेगा, सी, आई इज इक्वल टू जीरो, ओके, जीरो इज लेस देन 5, यस। तो यहाँ पे एम ऑफ जीरो, तो एम ऑफ जीरो पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है मेरा, एम ऑफ जीरो पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 10। उसके बाद क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो एम ऑफ क्या होगा, 1। तो एम ऑफ 1 पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट है मेरा, 20। फिर से इंक्रीमेंट होगा, एम ऑफ क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो एम ऑफ सेकेंड पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट है मेरा, 30। टिल सो ऑन, क्या फिर एम ऑफ क्या, 4। 4 इज लेस देन 5, यस। तो फोर्थ पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट है मेरा, 50। ओके, देन 5 इज लेस देन 5, नो। तो वहाँ पे पोजिशन भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। आया समझ में, तो दिस इज योर व्हाट, पोजिशन। तो उस पर्टिकुलर पोजिशन पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, वो हम लोग वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मुझे डालना है एम ऑफ 3, तो उस पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट होगा, देखना है। सपोज हम लोगों ने पर्टिकुलर डाला 3, तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 40
है मेरा, तो सी प्रीवियस आउटपुट रहेगा, ठीक है। बट हमारा प्रीवियस आउटपुट यहाँ पे 50 तक था, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, 5 टाइम्स लूप चलाया हमारा, बट वो उस कौन से पोजीशन का एलिमेंट, जो भी थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट है वो प्रिंट हुआ। देखो 0 1 2, थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, 40, तो ये हमारा 40 एलिमेंट्स प्रिंट हो गया। आए समझ में, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन का एलिमेंट भी मुझे एक्सेस करना है तो भी हम लोग नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। और तो दिस इज योर सिंपल प्रोग्राम, ओके। सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्स को रीड किया यूजिंग द व्हाट यू आर लूप एंड डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके। ये हो गया सिंपल प्रोग्राम। अभी हमें क्या करना है, स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं इन वन डायमेंशनल एरे में, सिंगल डायमेंशनल एरे कीबोर्ड के थ्रू यूजिंग व्हाट स्कैनर एंड व्हाट फाइंड द व्हाट टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं हमें, ओके। सो लेट्स सी प्रोग्राम का नाम देते हैं हम लोग एरे टू। ओके अभी मुझे क्या करना है, यूजर के थ्रू करना है, तो इम्पोर्ट व्हाट जावा डॉट क्या रहेगा, कौन सा क्लास है हमारा, यूटिल, स्कैनर यूज करते हैं ना हम लोग, सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ओके। क्लास का नाम क्या है हमारा, एरे टू, ओके। देन मेन फंक्शन भी क्रिएट करके रखते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ओके। यहाँ तक समझ में आया, प्रोग्राम क्या है हमारा, हमें क्या करना है, स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं यूज़र के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू एंड उनकी टोटल फाइंड आउट करनी है एंड परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ओके। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट स्कैनर का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ओके। वो पहले हम लोग लिख के लेते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल टू व्हाट न्यू स्कैनर, देन क्या होता है सिस्टम डॉट इन, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, देन एंड्स विद व्हाट सेमीकोलन, ओके। अभी मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट, सो कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हमें एंटर करने हैं वो हम लोग क्वेश्चन देते हैं यूजर को, सो व्हाट हाउ मेनी सब्जेक्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट व्हाट प्रिंट एल एन ओके। अभी इस हाउ मेनी सब्जेक्ट मतलब ये इंटीजर टाइप का रहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट एन सपोज, ओके। देन हाउ टू रीड SC डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। ये तो हम लोगों ने रीड किया, अभी मुझे क्या करना है, कितने मार्क्स है, तो वो मार्क्स हमारे एंड में रहेंगे, मतलब कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ओके। तो मुझे एरे क्रिएट करना पड़ेगा कि उसके लिए, तो सपोज इंट व्हाट मार्क्स के लिए हम लोगों ने एम लिया इज इक्वल टू व्हाट न्यू इंट, ये पता है ना डिक्लेरेशन, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पे हम लोगों ने स्टोर किया, ओके। अभी क्या करना है, मुझे एलिमेंट को स्टोर करना है, सो सपोज फॉर इंट आई इज इक्वल टू व्हाट 0, आई इज लेस देन क्या रहेगा हमारा एंड रहेगा, ओके। जितने सब्जेक्ट रहेंगे वो, देन आई प्लस प्लस, ओके। यहाँ तक क्लियर है कि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एंड आई प्लस प्लस, एन इज नथिंग बट योर व्हाट हाउ मेनी सब्जेक्ट।
देन अभी मुझे क्या करना है, ये तो मेरे सब्जेक्ट हो गए, मार्क्स भी एंटर करने हैं सब्जेक्ट के, देन वॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वॉट एंटर मार्क्स, ओके मार्क्स को एंटर कर दो। ओके अभी उस मार्क्स को भी हमें रीड करना पड़ेगा सब्जेक्ट के उस मार्क्स को, तो वॉट क्या है हमारा एम है वो एरे, एम ऑफ आई इज इक्वल टू वॉट एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ओके अभी हमें क्या करनी है टोटल फाइंड आउट करने हैं। ये तो मार्क्स हो गए, सपोज यहाँ पे मैंने थ्री सब्जेक्ट एंटर किए, ओके यहाँ पे थ्री सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेंगे हम लोग, उसके बाद हमें क्या करना है टोटल फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सम करते समय पता है ना क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस वॉट वॉट एवर योर वैल्यू अगर लूप के अंदर है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग इंट टोटल के लिए टी वेरिएबल लेते हैं, इनिशियलाइज विद द जीरो, देन फॉर इंट वॉट आई, आई इज इक्वल टू क्या रहेगा जीरो, आई इज लेस देन वॉट एन, देन आई प्लस प्लस। उसके बाद हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है टोटल, देन टी इज इक्वल टू टी प्लस वॉट क्या रहेगा एम ऑफ आई। मीन्स टोटल मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे किए, अभी मुझे क्या करना है मार्क्स को डिस्प्ले करना है। देन हाउ टू डिस्प्ले, सिस्टम डॉट आउट डॉट व्हाट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टोटल मार्क्स, स्पेस देते हैं हम लोग प्लस, किस में स्टोर है टी में, ओके और हमें क्या करना है परसेंटेज कैलकुलेट करना है। पता है परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी उसके लिए मुझे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओके फ्लोट सपोज पी लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज टोटल डिवाइडेड बाय उतने सब्जेक्ट, तो टोटल किस में स्टोर है टी, टी बाय टी डिवाइडेड बाय हमारा क्या रहेगा सब्जेक्ट, किस में स्टोर है एन में स्टोर है। अभी इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पता है ना, तो टोटल को हम लोग क्या करते हैं फ्लोट, इंटीजर में है ना हमारा तो फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं फोर्सफुली, ओके देन परसेंटेज को प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके परसेंटेज इज, ओके मतलब यहां पे हम लोगों ने क्या किया है राइट अ प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन टू वॉट सिंगल डायमेंशनल एरे, ओके फ्रॉम द कीबोर्ड यूजर के थ्रू वैल्यू एक्सेप्ट की एंड फाइंड द वॉट टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया, मेन फंक्शन लिखा है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करें यूजर के थ्रू हाउ मेनी सब्जेक्ट मतलब कितने सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स, तो सब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया मार्क्स का एरे क्रिएट किया है, एन एन इज नथिंग बट उतने सब्जेक्ट रहेंगे उस सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए यहाँ पे, फिर उनके टोटल फाइंड आउट किए एंड परसेंटेज फाइंड आउट किया है। ओके नो सिंटैक्स एरर, ओके प्रीवियस आउटपुट रहेगा हमारा यहाँ पे। सो हाउ मेनी सब्जेक्ट, सपोज हम लोगों ने लिया है थ्री सब्जेक्ट, ओके थ्री सब्जेक्ट के मार्क्स 80, ओके
80 and 90. Okay, see here, total marks 250 aa gaye. Okay, and percentage is nothing but your 83. See here, 3. ओके हम लोगों ने एन की वैल्यू क्या की यहाँ पे, थ्री सब्जेक्ट लिए हम लोगों ने, सिंगल लाइन कमेंट्स. ओके तो यहाँ पे कितने आ गए, इंटरम इज इक्वल टू 3 सब्जेक्ट के मार्क्स. ओके सो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, एंटर द मार्क्स. तो एक सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एंटर किया. ओके मतलब m ऑफ i वॉट 0, 0 पोजिशन पे हम लोगों ने क्या किया, एक सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर किया 80. उस फिर से i इज वॉट 1, 1 इज लेस देन 3, येस. तो सेकेंड सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे m ऑफ वॉट 1 पोजिशन पे, क्या रहेगा फिर से हमारा, 80 मैंने डाला था. ओके देन फिर से 2 इज लेस देन 3, येस. देन थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स है वो एंटर करेंगे, देन m ऑफ क्या रहेगा हमारा, 2. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, 90. देन m ऑफ 3 इज लेस देन 3, नो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो मार्क्स स्टोर हो गए हमारे, थ्री सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हो गए. फिर टोटल फाइंड आउट करनी, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, मतलब थ्री सब्जेक्ट है, 3 रहेगा. सिमिलर टू यहाँ पे t इज इक्वल टू t की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0, 0 प्लस यहाँ पे m ऑफ i मतलब m ऑफ 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है मेरी, 80. ओके तो t में अभी वैल्यू क्या स्टोर हो गई मेरी, t इज इक्वल टू 80. देन फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, देन m ऑफ 1 पोजीशन पे क्या है, 80. t में वैल्यू क्या स्टोर है अभी, 80. देन 80 प्लस 80 160. ओके देन फिर से i इंक्रीमेंट होकर 2 इज लेस देन 3, येस. देन m ऑफ वॉट सेकेंड पोजिशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है हमारी, 90. देन 160 प्लस 90 क्या रहेगा हमारा, 250. ओके तो टोटल क्या रहेगा हमारा, फिर से t इज इक्वल टू हम लोग करते हैं 80 प्लस 80 आपको समझ में आने के लिए, तो क्या स्टोर है हमारा, 160. ओके फिर से t में क्या स्टोर है हमारा, 160 प्लस क्या है, 90. ओके तो क्या रहेगा हमारा, t इज इक्वल टू वॉट, 250. तो अभी t में क्या स्टोर है, टोटल हमारी 250 प्रिंट हो जाएगी. देन परसेंटेज वॉट, 250 डिवाइडेड बाय 3. तो दिस इज योर परसेंटेज, आया समझ में. ओके हाउ मेनी सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट मार्क्स एंटर करते हैं हम लोग, 50 सेम मार्क्स एंटर करते हैं सारे सब्जेक्ट में, 50 प्लस 50 प्लस 50, तो 150 आ गई. 150 डिवाइडेड बाय 3 क्या रहेगा, 50 परसेंटेज रहेगा. गॉट इट, सब्जेक्ट एंटर किए, उनके मार्क्स एंटर किए, सिंगल सिंगल मतलब एक ही स्टूडेंट का हम लोग ले रहे हैं, एंड टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज फाइंड आउट किया. आए समझ में ये प्रोग्राम, तो दिस इज योर एरे. सो एरे का यूज समझ में आया रियल लाइफ में, कि अगर बहुत सारा डेटा है, ओके किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय का डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है, ओके अगर हम पीपल से उनका डेटा भी स्टोर करना है, सो वी कांट क्रिएट द मल्टीपल वेरिएबल्स, सो इंस्टेड ऑफ दैट वी यूजिंग द सिंगल वेरिएबल्स. सो व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर एरे. ओके तो ये क्या है, हमारी पोजिशन है. एरे की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरे नेम डॉट लेंथ फंक्शन यूज करके. तो दिस इज योर सिंगल डायमेंशनल एरे, एंड मल्टी डायमेंशनल मतलब 2D एरे वी विल सी इन योर नेक्स्ट वीडियो. इफ यू एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट्स. थैंक यू.